हेलो व्यूअर्स, क्रिएटिविटी विद रीना चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये अपने वीडियो में पोटली बैग बनाना बताऊंगी। तो इसे मैंने बहुत ही इजी ढंग से अपने वीडियो में बनाना बताया है, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको ये समझ आएगा। तो चलिए बनाना अभी शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, ऐसा आप कोई भी ले सकते हैं। और अस्तर के लिए ये मैंने लिया है कपड़ा, आप कॉटन का भी ले सकते हैं। तो ये कपड़ा मेजरमेंट में मैंने यहां से यहां तक 20 इंच लिया है और लंबाई में हमारा 9 इंच है, 9 इंच है हमारा। तो अस्तर और कपड़ा हमने ये काट लिया है दोनों। अभी अस्तर वाला कपड़ा मैं यहां साइड में रखूंगी और ये हमारा जो मेन ऊपर का कपड़ा है इसके ऊपर हम ये लेस फिट करेंगे। तो ये मेरे पास एक लेस है, इसको हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे। तो ये जो लेस है हमारी, यहाँ पे हम एक इंच छोड़ के फिर लगाएंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे हम ये दोनों साइड में। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इस लेस को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे मशीन से। तो पहले हम ये वाली लेस को अटैच करते हैं। अभी ये वाली लेस मैंने अटैच कर दी है। इसके बाद मेरे पास ये लेस है, इसको हम ऐसे इसके साथ अटैच करेंगे मशीन से और उसके बाद हम ये वाली लेस को यहाँ पे मशीन से अटैच करते हैं। अब हमारे कपड़े को ये लेस लग चुकी है पूरे को। अब हमारा ये ऊपर का कपड़ा रेडी है। अभी हमारा ये अस्तर है जो, इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो हमारी ये जो ऊपर का साइड आएगी ये हमारी नीचे की आएगी, तो हम अस्तर को ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो सिलाई लगाते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम कपड़े को ऐसे खोल लेंगे और कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये वाला फोल्ड हमारा इसके साथ मैच होना चाहिए, ये सिलाई के साथ। अभी ये मैंने निशान लगा दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सिलाई हमारी सिलाई के साथ होनी चाहिए एक बराबर। और यहाँ मैंने ये यहाँ निशान लगाया है, यहाँ मैंने छोड़ दिया है, यहाँ हमारा होल बनेगा डोरी के लिए। तो हम सिलाई लगाएंगे अभी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से पूरे यहाँ तक लगाते हैं। अभी देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है और ये हमने होल रखना है, जो उसकी सिलाई यहाँ से मैंने ऐसे छोड़ दी है, यहाँ से हमारा डोरी डालने का बनेगा। अब हमारा ये साइड हो गई है, इस साइड को भी हम अभी कटिंग कर लेंगे पूरे की, फिर इसके बाद हम सिलाई करेंगे वैसे ही। तो इसको हम अलग कर लेंगे काट के ऐसे। अब इस पार्ट को हम बिना काटे बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे होल नहीं बनेगा, तो हमें कपड़ा काटना पड़ेगा जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे इस कपड़े को इसलिए काट रहे हैं। तो ये मैंने कपड़ा काट लिया है। अभी जैसे हमने ये सिलाई लगाई है ये पार्ट को छोड़ के, वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। अभी सिलाइयां हमारी लग चुकी हैं दोनों साइड की। अभी हम कपड़े को सीधा करते हैं। जैसे ये हमारा पार्ट है और ये है ऐसे, ये सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी। अब हमारा पोटली बैग ऐसा बन चुका है। अब ये हमारा ऊपर का प्लेस आएगा, यहाँ हमारी डोरी डलेगी, ये हमारा नीचे का है। तो अभी हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो सिलाई कैसे लगाएंगे हम, ये कपड़ा पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये कपड़ा भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाइयों से सिलाइयां मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे हम सिलाई लगाते हैं यहाँ किनारे से। अभी देखिए हमारी ये सिलाई भी लग चुकी है। ये हमारा नीचे का पार्ट आएगा, तो अभी हम नीचे का जो पार्ट आएगा उसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यही कपड़ा लिया है जो हमने इसके लिए लिया था। अभी क्या, बैग को हम ऐसे राउंड में रखेंगे और निशान लगाएंगे यहाँ पे
राउंड में जितना राउंड आएगा उतना निशान लगाते हैं। तो कपड़ा हमने डबल रखा है, इसको हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे जितना राउंड ये है। अभी ये राउंड मैंने लगा दिया है, अभी आगे का राउंड हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है स्टिचिंग के लिए, तो अभी इसे हम काटते हैं। अभी ये दो पीस मैंने रेडी कर लिए हैं काट के। तो एक हमने बकरम का पीस भी लिया है जिससे कि हमारा थोड़ा ये हार्ड रहेगा नीचे का पार्ट। तो अभी ये मैंने दो पीस लिए हैं, तो पहले हम मशीन से ये राउंड को अटैच करते हैं इसके साथ। अब इस बकरम को मैंने इस पीस के साथ जोड़ दिया है, तो ये हमारा सीधी वाली साइड है। अभी हम दूसरा पीस जोड़ेंगे, तो ये हमारा सीधी वाली साइड हमारी इस साइड आएगी। तो ये सिलाई लगी हुई है, ये मैंने एक निशान लगाया है। सिलाई हम यहां से शुरू करेंगे यहाँ राउंड में और यहाँ खत्म करेंगे, ये वाले पार्ट पे हम सिलाई नहीं करेंगे। ये मैं 3 इंच छोड़ा है, तो अभी हम सिलाई लगाते हैं। तो हमने जो पहले सिलाई लगाई उसी पे हम सिलाई लगाते हैं। अब हमारे ये सिलाई लग चुकी है। अब ये हमारा जो कपड़ा है राउंड में, ये हम थोड़ा थोड़ा काटेंगे, सिलाई नहीं काटेंगे, कपड़े को थोड़ा ऐसे कट लगाएंगे जिससे हमारा राउंड अच्छे से आएगा। तो सारे को हम ऐसे कट लगाते हैं। अभी ये पार्ट हमने खोलने के लिए रखा था, तो अभी यहां से हम ये वाला जो हमारा राउंड है इसको हम ऐसे सीधा करेंगे। अभी हमारा ये राउंड सीधा हो चुका है। अभी ये जो हमने सिलाई छोड़ी थी इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों कपड़ों को, और अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगाते हैं। अब ये राउंड हमारा सिल के रेडी हो गया है, आयरन भी इसको मैंने कर दिया है। अभी हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे ये पार्ट को, तो हम ऐसे ही सीधे में ज्वाइंट करेंगे। तो ये यहां से हम स्टिचिंग लगाते जाएंगे, यहां से एकदम किनारे पे हमारी स्टिचिंग लगनी चाहिए। तो पूरे में हम ऐसे स्टिचिंग लगा के इसको जोड़ते हैं। अभी देखिए ये राउंड में मैंने जोड़ दिया है, ये नीचे का हमारा पोटली का जो बेस बन गया है। अभी हमारी पोटली कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी हम ऊपर की साइड आएंगे, तो ये हमारा ज्वाइंट है जो यहाँ पे पहले हम एक लाइन लगाते हैं, मशीन से सिलाई करते हैं यहाँ पे राउंड में पूरे में। अभी हमारे ये पोटली बैग की यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी है, ये देखिए। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा ए होल छोड़ा था, वहां पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी निशान लगाऊंगी, तो ये मैंने निशान लगा दिया है इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब हम सीधी लाइन यहाँ पे खींचेंगे। अभी ये लाइन को मैं ऐसे स्केल के साथ ऐसे सीधा कर लेंगे, हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, ये लाइन और ये लाइन ऐसे। दूसरी साइड भी मैं ऐसे लगाऊंगी। अब ये निशान मैंने लगा दिए हैं, अब इन दोनों निशानों पे हम सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम सिलाई लगाते हैं यहां भी और ये भी पूरे में। अभी देखिए ये मैंने दोनों सिलाइयां लगा दी हैं यहां पे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो सिलाई लगाई थी, हमारा ये थोड़ा ऐसा अटपटा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक लेस लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी मैं और यहाँ पे लेस अटैच करते हैं जिससे हमारा और भी अच्छा ये दिखेगा। तो ये हमारा नीचे में आएगा, तो यहाँ पे हम लेस लगाते हैं। अभी देखिए ये लेस भी मैंने लगा दी है, इससे हमारा ये सिलाई का कोना वो नहीं दिखेगा। तो हमारा ये ऐसे रेडी हो चुका है अभी। तो अभी हमारा पोटली बैग इतना रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें डोरी डालेंगे, तो यहाँ पे हमने जो ये छोड़ा हुआ है यहां से हम डोरी डालेंगे। तो ऐसे हम ये डोरी मैंने ली है, आप इससे मोटा भी ले सकते हैं जैसा आपको लगे। तो दो डोरी लगेगी हमारी, तो मैंने इसके मेजरमेंट से इतना ज्यादा लिया है डोरी को। अब डोरी को हम सेफ्टी पिन की मदद से
ऐसे डोरी को बांध लेंगे सेफ्टी पिन में। अब डोरी को मैंने ऐसे बांध लिया है, अभी यहाँ पे हमने होल रखा है, इजीली हमारा यहाँ पे ये सेफ्टी पिन चली जाएगी यहाँ तक, देखिए ऐसे, ये हमारा अगला होल है, यहाँ पे नहीं हम निकालेंगे, हम इसको आगे पूरा डोरी को निकालते हैं। अभी हमने यहाँ से शुरू किया था, वहीं पे आगे हैं, ये देखिए हमारी पिन यहाँ निकली है, तो डोरी हमारी एक साइड की यहाँ पे हो गई है। अभी एक साइड से मैंने ये डोरी डाल दी है, अब दूसरी डोरी को भी मैंने ऐसे डाल लिया है। अब हम इस होल में से निकालेंगे जो हमारा यहाँ पे होल है, ये देखिए ये हमारा होल है, यहाँ से हम डोरी को ऐसे अपनी जो सेफ्टी पिन है उसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये हमारी पहले की डोरी है तो यहाँ नहीं हमें सेफ्टी पिन निकालनी है, तो सेफ्टी पिन हमें ऐसे आगे को ले जानी है, जहां से हमने डोरी शुरू की थी वहीं से हम पिन को निकालेंगे। अब देखिए हमारी ये दोनों डोरियां डल चुकी हैं, अब इसको हम ऐसे ऐसे बंद कर सकते हैं पोटली को। तो अभी हमारी पोटली इतना रेडी हो चुकी है। अब हमारी ये डोरी है, इसको हम यहाँ पे कोनों में लटकन लगा सकते हैं, रेडीमेड लटकन भी मिलते हैं और बना के भी हम लगा सकते हैं। तो अभी ये लटकन लगाती हूँ मैं, यहाँ दोनों साइड लगाएंगे हम। अभी देखिए ये लटकन भी मैंने लगा दिए हैं, अभी हमारी पोटली कुछ ऐसे दिख रही है, ये देखिए। अभी चाहे तो हम यहाँ पे एक हैंडल भी बना सकते हैं, हैंडल लगा सकते हैं, तो अभी मैं वो हैंडल लगाना बताती हूँ। अभी हम एक धागा लेंगे, तो धागा मोटा होना चाहिए, अगर धागा मोटा नहीं है तो हम ये आम धागा लेके इसके हम 6 या 7 धागे इकट्ठे कर लेंगे। अभी मैंने नीडल में धागा डाल लिया है, मैंने 8 धागे लिए हैं ये इकट्ठे करके। अब हम यहाँ से ये साइड उठाएंगे और यहाँ पे हम इतना छोड़ के यहाँ पे ऐसे धागे को एक नोट लगा देंगे, जिससे हमारा ये पक्का हो जाएगा ऐसे। अब मेरे पास ये गोल्डन और व्हाइट वाले बीड्स हैं, अभी मैं इनको डालूंगी, पहले मैं ये गोल्डन डालूंगी, उसके बाद ये वाला डालूंगी, फिर से गोल्डन डालेंगे, तो ऐसे हम एक माला जैसी बना लेंगे। अभी हमारा ये देखिए हैंडल बन गया है, अब ये वाला कोना उठाएंगे और यहाँ पे हम इसे ऐसे सिल देंगे, तो जितना लंबा रखना चाहें उतना लंबा हम हैंडल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से 2-3 बार ऐसे नोट लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये निकले ना, जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट लेंगे। अभी देखिए हमारा ये हैंडल लग चुका है, अभी हम ऐसे अगर डोरी को ऐसे करेंगे तो ये हमारा हैंडल ऐसे आ जाएगा। तो हैंडल आपको चाहिए तो लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं लगा सकते। अभी देखिए हैंडल भी मैंने लगा दिया है और हमने ये डोरी भी लगा दी है, तो ऐसे हम बंद करना चाहें तो ऐसे हम डोरी से बंद कर सकते हैं और हैंडल से ऐसे पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा कितना ही सुंदर पोटली बैग बन चुका है, कितना ही प्यारा लग रहा है और बनाने में भी एकदम सिंपल है, हमारा एकदम पार्टी वियर टाइप पोटली बैग बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।